देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजाना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनाथ, सुषमा समेत 40 से ज्यादा नेताओं के पास आया पीएम मोदी का फोन। शपथ से पहले नमो मंत्र, थोड़ी देर में भावी मंत्रियों से चाय पर चर्चा करेंगे मोदी। हार से टूटा हौसला, कांग्रेस एनसीपी अपना सकते हैं विलय का फॉर्मूला। कई ऐतिहासिक फैसलों के साक्षी रहे अरुण जेटली, अब मंत्रिमंडल में खलेगी कमी। शपथ ग्रहण में परिवार को नहीं मिला न्योता, बहन बोली मोदी का जीवन राष्ट्र को समर्पित। पीएम मोदी के कैबिनेट में शामिल होंगे धर्मेंद्र, प्रधान और कई सितारे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली। दिल्ली से डॉक्टर हर्षवर्धन भी बनेंगे मंत्री, पीएमओ से आया फोन। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह भी केंद्रीय कैबिनेट में होंगे शामिल। सुरेंद्र सिंह हत्याकांड में चौथा आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ के बाद भेजा जेल। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिले की प्रक्रिया से शुरू, पोर्टल से करें आवेदन। भाजपा विधायक ने केजरीवाल को लेकर कराया सर्वे, परिणाम ऐसा की हो गई किरकिरी। ओखला में बनेगा देश का सबसे बड़ा एसटीपी, दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में कई परियोजनाएं मंजूर। कंपनी से महिला को नौकरी से निकालने पर महिला ने छत की बाउंड्री पर चढ़ जान देने की कोशिश। शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 10,000 जवान तैनात। सांसद खत्म करेंगे 22 साल का वनवास, विधानसभा चुनाव के दौरान काम के दम पर मांगेंगे वोट। आसमान से निकल रहा गर्मी का आग, 3 दिन के लिए अर्जेंट अलर्ट जारी, तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। दिल्ली में जिम से लौट रहे दो लोगों को सरेराह गोलियों से भूना, बदमाश हुए फरार। हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा भारी, अलग थलग पड़े अकाली दल बादल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी के। जनकपुरी में आग लगने का मामला, नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में चलाया जा रहा था हॉस्टल। दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।